सर बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका ANC इंडिया। आज के इस महाभारत के मंचन को, सफल मंचन को लेकर जो ऑडियंस की वजह से सफल हुआ है मंचन, तो हमारी तरफ से कुछ भी नहीं। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत और बहुत बधाई इस सफल मंचन के लिए। हाँ जी सर बताएं दर्शकों को। हाँ ये हम यार हम तो इसको 2019 में हमने तकरीबन कुछ 60 या 75 शोज़ कर दिए थे। फिर कोविड हो गया तो बंद हो गया था। अब ये कोविड खुला है तो पिछले नवंबर से हमने शुरू किया है। फिर ये तो बहुत जल्द हम 100 पूरे कर जाएंगे। तो ईश्वर ने चाहा तो ये तो 1000 करेंगे इसके महासर। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है VS न्यूज़ दिल्ली के अंदर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो वीडियो हम लोग डालते हैं दिल्ली की तमाम खबरों के लिए, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज हम पहुंचे हैं मंडी हाउस के अंदर में, जहाँ पर मंडी हाउस स्थित जो कि कमानी ऑडिटोरियम, जो कि यहाँ पर नाटक का और काफ़ी जो TV सीरियल्स वगैरह होते हैं उनकी जो है वो लाइव परफॉर्मेंस यहाँ से होती है। यहाँ पर आज जो शो चल रहा है वो है महाभारत, जो आज से पहले हम लोगों ने 30 से 35 साल पहले जो हम लोगों ने अपनी टीवीओं पे देखा था जब छोटे हुआ करते थे। आज उसका लाइव परफॉर्मेंस उन्हीं किरदारों के साथ में आज यहाँ पर किया जा रहा है। और आज जो ये लाइव परफॉर्मेंस है, हमारे साथ में काफ़ी ऑडियंस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियंस, ये काफ़ी तमाम भीड़ यहाँ पर जो है वो इसी मंच को 3:30 बजे का जो शो है वो चालू होने वाला है कुछ समय के अंदर में। अभी एक जो 12 बजे से लेकर के जो 3 बजे तक का शो था वो चल रहा है अभी। और यहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर में यहाँ पे लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ कुछ दर्शकों के पास जो इस समय देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर उस शो को, लाइव परफॉर्मेंस जो कि उन्हीं। ओके नमस्कार सर। सर जैसा कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं महाभारत देखने के लिए, जो सर आज से पहले जो 30-35 साल पहले जो हम लोगों ने टीवी पर देखा था इस महाभारत को, आज हम उसको लाइव देखने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? दर्शकों को क्या कहना चाहूँगा जी, हमने तो इसका पढ़ा है कि ये दुर्योधन और कर्ण का पर्सपेक्टिव से प्ले हुआ है, तो हम देखना चाहते हैं क्या डिफरेंस है जो पहले था और जो हमें अभी तक पढ़ा है उसके कंपेरिजन में। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। आफ्टर हैविंग सीन पुनीत ईसर एंड जो हमारे कृष्णा बने थे, हाँ, उनको प्ले चल रहा है महाभारत का, जो ये प्ले चल रहा है जो हमने आज से पहले 30-35 साल पहले जो हम लोगों ने टीवी में देखा जी, हमने पहले उनको ऑन स्क्रीन देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू सी देम लाइव हियर, सो दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग जी। हाँ तो वो एक्साइटिंग है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और इखलास ने जिस तरह आप लोगों ने इस नाटक को सराहा, इसके संवादों पर उठाया, जगह जगह पे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने हमारे हौसले को और भी बुलंद किया, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी कि आप लोगों को ये नाटक पसंद आया। ये दुर्योधन का दृष्टिकोण था क्या है कि मुझे लगा कि एक कहावत है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द पिक्चर्स बट द राइट ऑल्सो हैज अ टेल टू टेल। दैट इज द रीजन व्हाई वी हिस्ट्री लिखने में भी बहुत समय लगा क्योंकि मैं वासुदेव श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के साथ ज्यादा अन्याय नहीं कर सकता। वासुदेव तो वासुदेव है, वो हम एक अंदर प्रतिद्वंदी है, लेकिन मैं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण का भक्त हूँ। सबसे खूबसूरत बात इस महाभारत की है वो है कि all the characters are, no character is completely white or completely black. Yes. All the characters are grey characters. इसमें white बहुत ज़्यादा है, थोड़ा काला है, किसी में बहुत ज़्यादा काला है, एक कृष्ण भी थोड़ा सफेद है। ऐसे में मिश्रण के बजाय तो सोना भी आकार नहीं है। जब भी आप इस धरती पर आते वही श्री कृष्ण ने कहा। यही मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें, इसको समझें। क्या था कि 35 वर्ष पहले मैंने वीआर चोपड़ा साहब की महाभारत में काम किया था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था दुर्योधन का पात्र करने का। फिर बहुत 30-35 वर्ष बीत गए तो मेरा था क्यों एक नए तरीके से आजकल जो जेट सेट एज है, सब लोग अब कहाँ लंबे एपिसोड देखेंगे, तो आज की कुछ जनरेशन है उन्हें पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा महाभारत क्या है। मैंने प्रयास किया, लिखा, मेरे सुपुत्र सिद्धार्थ मिश्र ने मेरे साथ मिलकर इस पेज लिखा, बहुत खुश हूँ कि आज आप लोगों ने इतने सवाल है। हमारा तीसरा शो था वैसे, और ये तो ऑडियंस दिल्ली की हमारे प्रोग्राम मेरे भाई राहुल को बुलाना चाहूँगा। तरीके से है टीम ऐसा हो, अब हमारे जो साथी कलाकार बेचारे एज भी हो चुकी है, ज्यादा लोगों को नहीं ला सका। तो गुफी पेंडल साहब मेरे साथ हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को, कैसा लगा आपको आज का प्ले? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा हमें, और जो पुनीत इस्सर जी की एक्टिंग थी उन्होंने तो रुलाई दिया। एक बार तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवरऑल शो बहुत अच्छा था, थैंक यू। जैसा कि एक्साइटेड हैं लोग और जो ऑन द स्क्रीन जिन्होंने इस समय अपने मैम जी मैम कैसा लगा आपने शो देखा? इट वॉज फैंटास्टिक, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई मीन ऑल द एक्टर्स वर सुपर्ब, स्पेशली पुनीत, राहुल बुशर, नितेश मार्धवाज, गुफी पेंडल. आई थिंक दे शुड हैव many many more shows of this. Great learning experience. Great learning experience, and it's nice to keep this Mahabharat thing alive. Very good, very good. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. आप लोगों ने भी शो देखा? बहुत बढ़िया शो था और एक एक की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और नए पर्सपेक्टिव से देखा दुर्योधन का भी क्या थिंकिंग है, मतलब दुर्योधन से भी प्यार हो जाता है ये प्ले देखकर. जो लास्ट में दुर्योधन ने सबसे अच्छा समझाया कि इससे तुम ये सीखो कि जो ठीक है वो सीखो, जो गलत है वो मत सीखो. सबसे अच्छा थीम ये लगा इसका, सबसे अच्छा. बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मैम कौन कौन कह रहे, कोई आप कह रहे थे? आ जाइए, आ जाइए. बहुत अच्छा, एकदम अलग हट के जो उन्होंने अपना व्यू रखा है वो बहुत अच्छा लगा. जैसा कि इसके प्ले के अंदर में बताया गया है कि प्ले के अंदर में अगर कुछ भी अगर सीखना हो तो जो भी सीखें आप अच्छा सीखें और बुरे को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दें. हमारे साथ में कुछ और दर्शक और जुड़ चुके हैं. कैसा लगा मैम? इट्स टोटली डिफरेंट, वेरी नाइस और बहुत बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत मज़ा आया. सबकी एक्टिंग एकदम टू गुड, मतलब बहुत डिफरेंट महाभारत देखने को मिली, रियली नाइस. और सबसे ज़्यादा बात है कि डिफरेंट एंगल से, नॉट द नॉर्मल महाभारत स्टोरी, इट हैज़ बीन डन इन अ वेरी डिफरेंट एंगल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट टाइम दुर्योधन पे बहुत प्यार आया. जी 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 हाँ जी, एक एक करैक्टर ने अपने रोल में जान फूंक दी है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है. बहुत हमें इससे इसकी एक डायलॉग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. इसके जो हम लोग इस समय पहले 30-35 साल पहले जो हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, आज उसको हम लोग लाइव देख करके मतलब क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने एक एक करैक्टर ने अपना रोल प्ले किया है. हाँ भैया, आज का प्ले तो उसकी तो मिसाल ही नहीं है. इतना सुंदर सबके रोल थे, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्टोरी, डायलॉग, हर चीज़ इतनी उत्तम थी कि उसका कोई सानी नहीं है. सभी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की तो अभी भी लगता था कि हम तो बैठे रहें, ख़त्म ही ना हो. बहुत सुंदर, वेरी नाइस प्रोग्राम और वेल ऑर्गेनाइज्ड. सबकी एक एक की अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस. जैसा कि आपने देखा कि सारे जितने भी इस समय देख करके सीरियल को निकल रहे हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा है, उस प्रोग्राम के अंदर में जिसने उन्हें भी बताया वो एकदम पावरफुल रहा. सबका एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त रही और एक्टिंग के साथ साथ में जो इसके अंदर में दर्शाया गया है कि कौन गलत है और कौन सही है वो भी बहुत अच्छा बताया गया और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हम आगे आपको लेकर के चलते हैं. जैसा कि आज हाँ देखा आपने, जैसा कि हम आज यहाँ पे ऑडिटोरियम के अंदर में आए थे, कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस के अंदर में, जो कि अभी अंदर जो है वो महाभारत के परफॉर्मेंस चल रही है, जिसके अंदर में बहुत ऐसे जो टीवी सीरियल के भी कलाकार थे, जो बॉलीवुड के अच्छे स्टार थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी को इस मंच के द्वारा जो है वो पेश किया. आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद.